કેમ છો મિત્રો? ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું, દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોનું. આંકડાશાસ્ત્ર સુરેખ સહસંબંધ આપણું ચેપ્ટર, અને આ ચેપ્ટર તરફ આપણે આગળ વધીએ તો ઘણા બધા નવા નવા મિત્રો મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. યસ, વેરી ગુડ. हाँ, खूब सरस, खूब सरस, खूब सरस. हाँ, घणा बधा मित्रों, घणा बधा मित्रों. वाव, वॉट खूब सरस. केम छो बधाने? खूब सरस. चैप्टर नंबर 2 આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે સુરેખ સહસંબંધ. ચેપ્ટર નંબર 2 સુરેખ સહસંબંધ, બરાબર. તો જો વાત કરીએ તો ચેપ્ટર નંબર 2 માં તો આપણને સુરેખ સહસંબંધની અંદર આપેલું છે શરૂઆત કરી છે. આપણે અત્યાર સુધી બે રીત ભણી ગયા છીએ. કઈ બે રીત ભણ્યા છીએ? હા, તો આપણે અત્યાર સુધી જે ભણ્યા છીએ એ રીતમાં છે એક તો હા એક આપણે ભણ્યા વિકર્ણ આકૃતિની રીત, બીજું આપણે ભણ્યા गुणन प्रघातनी रीत. एक विकर्ण आकृतिनी रीत, बीजी आपणे भण्या गुणन प्रघातनी रीत, बराबर छे. आ बे रीत आपणे भणी गया छे, विकर्ण आकृतिनी रीत अने गुणन प्रघातनी रीत. अने हवे आपणे जे रीत भणवाना छे क्रमांक सहसंबंधनी रीत. तो मित्रों ध्यान आपो, क्रमांक सहसंबंधनी रीत विषे आपणे अभ्यास करता जईए तो यस सर, तमे कॉमर्सना लेक्चर खूब सरस बनावो छो. यूवी वाली रीत शीखवाड़ो. यूवी वाली रीत आपणे गया वखते शीखाता ने नहीं होय तो आपड़ा विडियो आवशे त्यारे जोई लेवो. जय भोळानाथ, ओके. हाँ, कार्ल पियर्सननी गुणन प्रघातनी रीत आपणे भणी गया छीए. कार्ल पियर्सन वाली रीत आपणे भणी गया छीए, बराबर. यस, तो स्पियरमेननी क्रमांक सहसंबंधनी रीत. तो आपेल चल एक्स अने वाई ना अवलोकनो पुनरावर्तित न थता होय त्यारे अवलोकनो शुं न थता होय? पुनरावर्तित न थता होय. पुनरावर्तित न थता होय एटले एकनुं एक अवलोकन बीजी वखत न आवतुं होय. हाँ, स्टेटिस्टिकनुं रिविजन कई रीते करवुं? स्टेटिस्टिकना रिविजननी एक ज मेथड छे. टेक्स्टबुकने सौथी वधु महत्व आपवानुं छे. साथे साथे तमारे टेक्स्टबुक पर जे सम आपेला है, सम વધુ ને વધુ કઈ રીતે તમે ગણી શકો એના ઉપર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. તો અવલોકનો પુનરાવર્તિત ન થતા હોય તો આપણું એક સૂત્ર છે r is equal to 1 - 6 sigma d square છેદમાં n into n square minus 1. r is equal to 1 - 6 sigma d square છેદમાં n ગુણ્યા n square minus 1. 1 - 6 sigma d square छेदमा n n square minus 1. ओके, आ एक सूत्र थी गयु. एम आप बधी वस्तु समझी लीए तो आर एक्स एटले चल एक्स नो क्रमांक, आर वाय एटले चल वाय नो क्रमांक, आर एक्स एटले चल एक्स नो क्रमांक, आर वाय एटले चल वाय नो क्रमांक, डी एटले शू थशे? तो डी एटले आर एक्स माइनस आर वाय અને સિગ્મા ડી સ્ક્વેર એટલે શું થશે? તો કે ક્રમાંકોના તફાવતોના વર્ગોનો સરવાળો. ક્રમાંકોના તફાવતના વર્ગોનો સરવાળો. સિગ્મા ડી સ્ક્વેર એટલે ક્રમાંકોના તફાવતના વર્ગોનો સરવાળો. n બરાબર અવલોકનોની સંખ્યા. n એટલે શું થશે? અવલોકનોની સંખ્યા. તો rx એટલે શું થઈ ગયું? તો rx સિમ્પલ ચલ x નો ક્રમાંક, ry સિમ્પલ ચલ y નો ક્રમાંક, डी सिंपल आर एक्स माइनस आर वाई, सिग्मा डी स्क्वेर तो के क्रमांकोना तफावतना वर्गोनो सरवाळो. क्रमांकोना तफावतना वर्गोनो सरवाळो. અને n बराबर अवलोकनोनी संख्या। ओके डन कम्प्लीट। एन एटले कुल अवलोकन ने लख्यू है, एन एटले कुल अवलोकन। चेप्टर वन क्यारे थयुं? चेप्टर वन तो घणा समय पहला थई गयुं, घणो 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 समय थतो रही गयो छे। हाँ हवे जो ज्यारे कोई अवलोकनों पुनरावर्तित थता होय तो आपणे सूत्रमां एक नानो एवो चेन्जीस कर्यो। ज्यारे अवलोकनों पुनरावर्तित थवा मीड्या तो एक सूत्रमां नानो एवो चेन्जीस कर्यो। शुं कर्युं? प्लस सी एफ कर्युं। शुं कर्युं? प्लस सी एफ। तो 6 काउंसमा सिग्मा डी स्क्वेर प्लस सी एफ छेदमा एन एन स्क्वेर माइनस 1। जो फरीथी एक वस्तु कही दो, 6 काउंसमा सिग्मा डी स्क्वेर प्लस सी एफ छेदमा एन एन स्क्वेर माइनस 1। आ एक नानो एवो चेन्जीस कर्यो पण ए कई रीते चेन्जीस कर्यो तो बधी ज विगत तमने अहींया आपी। डी एटले तो तमने खबर ज छे आर एक्स माइनस आर वाय। डी एटले सिम्पल आर एक्स माइनस आर वाय। डी एटले सिम्पल आर एक्स माइनस आर वाय। डी एटले सिम्पल आर एक्स माइनस आर वाय। तो सिग्मा डी स्क्वेर एटले शुं थशे तो के क्रमांकोना तफावतना वर्गोनो सरवाळो। क्रमांकोना तफावत, क्रमांको कया कया हता तो के आर एक्स अने आर वाय, एनो तफावत, एनो वर्ग करवानो ने एनो सरवाळो एटले सिग्मा डी स्क्वेर। एन आपणा माटे शुं थशे तो के एन थशे अवलोकनोनी संख्या। एन शुं थशे? अवलोकनोनी संख्या। सोलंकी अश्विन सर क्वेश्चन 3n माइन काउंसमा एन स्क्वेर माइनस 1 बराबर 1 सिग्मा डी स्क्वेर बराबर 148। तो एन केटला ने आर केटला? एन तो पछी आपणे मेळवानुं, पहेला सीधा आर मेळवी लेवाना, बरोबर छे। हाँ सीधा आर मळी जशे एटले आर मेळवी लेवाना। ओके डन। तो सीएफ नी जो बात करिए तो सिग्मा एम घन माइनस एम छेदमा 12। आ शू छे ए वस्तु पर खास नोटिस करवा जेवू छे। एम घन माइनस एम छेदमा 12। एम घन माइनस एम छेदमा 12 ज्यां एम एटले अवलोकन जेटली वखत पुनरावर्तन पामे ते संख्या। अवलोकन जेटली वखत पुनरावर्तन पामे ते संख्या। एम एटले अवलोकन 2 वखत पुनरावर्तन पामे तो 2, अवलोकन 3 वखत पुनरावर्तन पामे तो 3, अवलोकन 5 वखत पुनरावर्तन पामे तो 5, बराबर। अरे भाई प्रश्न छे આવી રીતે નો હોય અને ગણવો પડે। हाँ એમાં એકદમ સિમ્પલ કામ કરવાનું। તારે 3n n સ્ક્વેર માઇનસ 1 બરાબર 5148 લખ નાખવાના એટલે 3 છેદમાં વહી જાય, બરાબર। એટલે 5148 ભાગ્યા 3 કરી દે એટલે થઈ જશે 1716। હા અને 11 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર બરાબર 5148 લખ નાખો એટલે 5148 ના છેદમાં 11 વહી જાય। હા વાહ अँ चालू में कई रीते सोल्व करूँ? हूँ बोलो सोल्व करवामां 11 सिग्मा डी स्क्वेर बराबर 5148 लख नाखवाना एटले 11 छेदमां वही जाए। 11 छेदमां जशे एटले तमने मळशे हाँ 5148 भाग्या 11 अने पछी एनो गणतरी करी नाखवानी। हाँ आजे घणा बधा विद्यार्थीओ भणवा माटे आवी गया छे। सीएफ क्यारे लेवानुं? ज्यारे अवलोकनो पुनरावर्तन पामता होय। अवलोकनों पुनरावर्तन पामता होय, स्पष्ट लख्यू है अवलोकनों पुनरावर्तित थता होय त्यारे त्यारे ने त्यारे ज सीएफ लेवानुं छे। अवलोकनों पुनरावर्तित नथी थता तो सीएफ लेवानी जरूर नथी। अवलोकनों पुनरावर्तित थाय तो ज सीएफ लेवानुं छे। जो एक सरस मजानो सम आप्यो छे, उमेदवार आप्या छे 1 થી 8, निर्णायक 1 आपेल गुण आप्या छे, गुणना क्रम अने निर्णायक 2 आपेला गुण, ई बेयने क्रम ज गणवाना छे। तो उमेदवार लखी नाखीए 1 થી 8। तो क्रमनी बात करिए तो आर एक्स अने आर वाय। आर एक्स नी बात करिए तो 4 2 7 1 3 चार बे सात एक त्रण आठ छ पांच सात एक छ त्रण बे सात एक छ त्रण बे आठ पांच चार थई गयो। तो d मेळवी लईए तो d इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाय माइनस त्रण एक एक माइनस बे एक जीरो एक एक टोटल। तो आनु टोटल ऑलवेज जीरो थी जैसे डी स्क्वेर मेळवी लईए तो माइनस त्रण नो वर्ग नौ एक एक बे नो वर्ग चार एक जीरो एक टोटल કેટલું થશે 18। હા ટોટલ કરો યસ 18। बराबर थई गयो। तो आर बराबर एक माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वेर छेद में एन एन स्क्वेर माइनस वन तो छ गुणिया अठार छेद में आठ आठ नो वर्ग माइनस एक तो छ गुणिया अठार एटले 108 8 64 माइनस 1 108 8 गुणिया 63 108 8 गुणिया 63 एटले 504 504 थई गयो। तो 108 भाग्या 504 कर दियो केटला थशे 108 भाग्या 504 तो करिए भागाकार 108/504 एटले 1 माइनस 0.21 तो आर बराबर 0.79। क्लियर આવી ગયો ને બધાય આન્સર કે કોઈ કોઈ બાકી રહી ગયું નહીં? ઓકે આગળ જોઈએ છીએ। જો અહીંયા તમને બેચ બતાવ્યું છે ધોરણ 10 ની યુનિટી બેચ, ધોરણ 12 ની સંજીવની બેચ, પણ ફક્ત આટલું જ નહીં, ધોરણ 9 ની ઉદ્ભવ બેચ અને ધોરણ 11 ની મંજિલ બેચ, આ બધી જ બેચો સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે। તો મિત્રો તમે જોડાઈ જાઓ અમારી સાથે વિદ્યાકુલ એપ પર, જ્યાં તમને લાઈવ દરરોજના ક્લાસીસ મળવાના છે, રેકોર્ડેડ ક્લાસીસ મળવાના છે, પીડીએફ નોટ્સ મળવાની છે, ડાઉટ સેશન મળવાના છે, વોટ્સઅપ સપોર્ટ મળવાના છે, મેન્ટી ક્વિઝ મળવાની છે। આટલું પૂરતું ન હોય તો બીજું ખાસ 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 અમને કહેતા આનંદ થાય એવી વસ્તુઓ પણ મળવાની, જેમાં ખાસ કરીને તમને કહી શકાય કે દરરોજને દરરોજ ફ્રી બેચીસ બી મળવાની છે, બરાબર છે? તો વિદ્યાકુલ એપ સાથે જોડાઈ જાઓ, ભવિષ્યમાં રિવિઝન, પેપર સોલ્યુશન, આ તે બહુ બધું છે। એટલે તમે જોડાઓ, તમારા નાના ભાઈ બહેનને જોડો, તમારા મોટા ભાઈ બહેનને જોડો, અને જે લોકો તમે 11માં હોય તો 12મું ભણતા હોય, તમે 10માં હોય તો 11મું ભણતા હોય, આવા તમારા કોઈ સગા સંબંધી હોય એને જોડો, પણ એક પરિવારનો હિસ્સો બનાવો, કારણ કે વિદ્યાકુલ એ ફક્ત એક એપ્લિકેશન નથી, પરિવાર છે। क्रम ना आपेला हो तो क्रम आपवाना, जो हूँ शीखवाडू छो हमणां। अहींया तमने क्रम आपी दीधा छे साबुनी जात ABCDEFGH। हाँ घणुं बधुं क्रम न आपेला हो तो क्रम आपता शीखवुं पड़े। क्रम दरेक वखते क्रम आपेला होय एवुं जरूरी नथी, दरेक वखते क्रम आपेला होय एवुं जरूरी નથી। ઘણી વખત અવલોકનો આપેલા હોય અને અવલોકનો આપેલા હોય एना माटे यस 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 ओके गुड हाँ घणा बधानुं सांभळू छुं घणुं बधुं सांभळू छुं यस सर यूवी में यू बराबर एक्स माइनस ए ना छेदमां सी एक्स ए अने सी एक्स शुं धारवुं तमारा मध्यकने आधारे धारी शकाय तमारा मध्यकने आधारे ए पण धारी शकाय अने सी एक्स तमारा अवलोकनने आधारे धारवानुं होय मध्यक जे आवतो ए प्रमाणे ए धारवानुं थाय अने सी एक्स तमारा अवलोकनोने आधारे धारवानुं थाय बोलो बीजो कोईने काई प्रश्न होय तो वी आर जस्ट हियर टू यू सर कोई संख्या रोकाणोक्रामां 4 आवतो तेने केटला वडे मल्टीप्लाय करवाना कोई संख्यानो क्रम 4 आवतो होय संख्यानो क्रम 4 आवतो तेने केटला वडे मल्टीप्लाय करवाना संख्यानो क्रम 4 आवतो एवुं तो क्यारेय नथी बन्युं संख्यानो क्रम 4 आवतो तो 4 ज आवे ने एमां काई मल्टीप्लाय डिविजन काई करवानुं होय नहीं कोई संख्यानो क्रम जो 4 आवतो होय क्रममां कोई फेरफार नथी करवाना हाँ एक वस्तु सीधी याद राखवानी क्रममां कोई फेरफार नथी करवानो क्रम आपवाना थाय तो हमेशा उतरता क्रममां क्रम आपवाना अने उतरता क्रममां एटले कई रीते सौथी मोटी संख्याने पहेलो क्रम पछी नानी 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 जेम जेम संख्या थती जाय एम एम क्रम नीचे नीचे आपता जावनो सौथी मोटी संख्या सौथी पहेली संख्या सौथी मोटी संख्या अने सौथी पहेलो क्रम मळवो जोईए ओके हाँ रिपीट थती होय संख्या तो यस तो रिपीट थती होय तो एने सरेराश क्रम आपवाना दाखला तरीके 3 एक संख्या 2 वखत रिपीट थाय ने एनो क्रम तमे नक्की करता होय ने चौथो अने पांचमो क्रम आपवानो होय तो एनो सरेराश 4 + 5/2 आपवाना cx માં નક્કી નો હોય એકી સંખ્યા બી લઈ શકાય 5 બી લઈ શકાય ને 10 બી લઈ શકાય એટલે એકી સંખ્યા બી લઈ શકાય ને બેકી સંખ્યા બી લઈ શકાય हाँ जे पेलू सरेराश वाळू मैं कीधुं ई खास एक ध्यान राखवानुं छे सरेराश वाळू हाँ बराबर हाँ सरेराश वाळू एक जोई लेवुं ओके बोल कंप्लीट 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 चलो आगळ वधीए फटाफट हाँ कारण के टाइम घणो बधो जतो रह्यो छे यस विभाग एफ नो 5मो दाखलो विभाग एफ नो 5मो दाखलो हाँ ए रिपीटेशन सम होय तो एने सरेराश क्रम आपवानो थाय बराबर यस तो हवे जो आगळ जोईए मित्रों साबुनी जात आपी छे ए थी एच A B C D E F G H नीचे कुल आ साबुनी जात। ग्राहकना क्रम तो RX 4753 4753 1682 1682 જ્યારે RY 6827 6827 5314 5314 RX અને RY बराबर। तो हवे शुं करवानुं छे? तो अहींया तो तमने D डायरेक्ट मळी जशे। अहींया तो D डायरेक्ट मळी जाय ने। यस और नो? यस जुनून के साथ आ जाना चाहिए। तो D इज इक्वल टू RX माइनस RY। जे 4 - 6 એટલે -2, 7 - 8 એટલે -1, 5 - 2 એટલે 3, 3 - 7 એટલે -4, 1 - 5 એટલે -4, 6 - 3 એટલે 3, 8 - 1 એટલે 2, સોરી 8 - 1 એટલે 7 અને 2 - 4 એટલે -2। તો ટોટલ કરી નાખ્યા તો 0। टोटल कितना થઈ ગયું? 0 થઈ ગયો। टोटल 0 થઈ ગયો। यस। सर चैप्टर 3 માં E इज इक्वल टू y એ 3 આવે ત્યારે y નેરીકર ભાઈ ત્રીજું ચેપ્ટર આવે ત્યારે હા અત્યારે જેમાં હોય એમાં જેની જાન જાતી હોય એના ગીત ગાવાના હોય अपनी गुजराती में बहुत सरस कहेवत है। तो डी मेळवी लईए। डी तो मळी गयो, सॉरी डी स्क्वेर करी लईए। -2 નો વર્ગ 4, 1, 3 નો વર્ગ 9, 4 નો વર્ગ 16, 4 નો વર્ગ 16, 3 નો વર્ગ 9, 7 નો વર્ગ 49, 2 નો વર્ગ 4 करिए। टोटल केटलुं थशे? 108। तो R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वेर छेदमा n स्क्वेर माइनस 1। तो 6 × 108 छेदमा n आया 8 - 8 નો વર્ગ - 1। तो 6 × 108 એટલે 648 છેદમાં 8 - 8 નો વર્ગ એટલે 64 - 1। તો 648 8 × 63 અને 8 × 63 કરો। જો 8 × 63 કરીએ તો કેટલા થશે? 8 × 63 એટલે 504। તો 648 ભાગ્યા 504, 648 ભાગ્યા 504 1.29, 1 - 1.29। તો R બરાબર -0.29 -0.29। क्लियर? नेक्स्ट सम पर जाइए। आपने वेचाण आप्युं छे। जो अहींया क्रम आप्या नथी। સૌથી મોટી વાત તમારી સમક્ષ અહીંયા આવી રહી છે। અહીંયા તમને ક્રમ આપેલા નથી। અહીંયા ઉદ્યોગોના વેચાણ અને નફો આપેલો છે, ક્રમ આપેલા નથી। ઉદ્યોગોના વેચાણ અને નફો આપેલો છે જેની માહિતી નીચે પ્રમાણે છે। સ્પિયરમેનની રીતે ક્રમાંક સહસંબંધાંક શોધો। સ્પિયરમેનની રીતે શું શોધવાનું છે? ક્રમાંક સહસંબંધાંક। બરાબર, વેચાણ તમને આપ્યું છે, નફો તમને આપ્યો છે, પણ એમાં તમને ક્રમ આપ્યા નથી। આ એક બાબત ઉપર ખાસ 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 કાળજી લેવી। ક્રમ નથી આપ્યા તો લખીએ વેચાણ छवीस, अठयावीस, ओगणीस, पच्चीस, एकत्रीस, पांतरीस, आड़तरीस, एकत्रीस, पांतरीस, आड़तरीस। नफो 147, 140, 138, 143, 136, 141, 130। જ્યારે ક્રમાંક સહસંબંધની રીત હોય ત્યારે અવલોકનના ટોટલ કરવાની જરૂર નથી। क्रमांक सहसंबंधनी रीत होय त्यारे अवलोकनने टोटल करवानी जरूर नथी। आ एक बाबत उपर खास खास नोटिस करजो, अवलोकनना टोटल भूलथी पण करवाना नथी। भूलथी पण तमारे अवलोकनना टोटल करवाना नथी, सीधा क्रम आपवाना छे। क्रम आपवानुं स्टार्ट करीए। आ हता एक्स, आ हता वाय, तो एक्स ना क्रम आपीए ने आर एक्स लईशुं, वाय ना क्रम आपीए ने आर वाय लईशुं। तो पहलू 38 में पहलो क्रम, 35 में बीजो क्रम, 31 में तीजो क्रम, 28 में चौथो क्रम, 26 में पांचमो क्रम, 25 में छठो क्रम, 19 में सातमो क्रम। जो बहुत आसानी थी क्रम अपाई गया। उतरता क्रम में क्रम आपवाना छे। हजी हूँ एक वखत बोलू छू, उतरता क्रम में क्रम आपवाना छे। अने उतरता क्रम में क्रम आपवाना होय। हाँ, तो सौथी मोटा ने पहलो, पछी क्रमशः नीचे नीचे नीचे। अने आज फैक्ट्स एटीट्यूड वाला भाई छे ने कि आईएमपी आपो, आईएमपी आपो, तो मारा ओ लेक्चर जोई लेवाय, बधुं ज आईएमपी छे। ओके, जो भणो। आरवाय पहलो 147, बीजो 143, तीजो 141, चौथो 140, पांचमो 138, छठो 136, सातमो 130। बराबर। तो हवे शू मेळवशु? यस, डी मेळवशु। हाँ, तो डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाय, आर एक्स माइनस आर वाय। तो आर एक्स माइनस आर वाय करता जाइए तो 4024 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 टोटल केटलू थई गयो 0। टोटल केटलू थई गयो 0। फरीथी कहूं छुं, टोटल केटलू थई गयो 0। डी नु टोटल हमेशा केटलू थवुं जोईए 0। डी नु टोटल हमेशा केटलू थवुं जोईए 0। तो हवे हूँ मेळवीश डी स्क्वेर, 4 નો વર્ગ 16, 0, 2 નો વર્ગ 4, 4 નો વર્ગ 16, 3 નો વર્ગ 9, 1 નો વર્ગ 1, 6 નો વર્ગ 36। तो करी दईए टोटल। तो टोटल करिए फटाफट फटाफट फटाफट। केलू थशे 82, केलू थशे 82, 82। यस, तो हवे आपणे आपणुं सूत्र मूकशुं। आर इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेर छेदमा एन, एन स्क्वेर माइनस 1, तो 6 × 82 छेदमा 7, 7 નો વર્ગ - 1, तो 6 × 82 करो केटला थशे? 6 × 82 492 छेदमा 7, 49 माइनस 1, 492, 7 × 48, तो 492, 7 × 48 कर दे तो कितना आवशे? 336। तो 1 - 492 ભાગ્યા 336 એટલે 1.46। તો r બરાબર -0.46। r બરાબર -0.46। हाँ इकोनो लेक्चर केम नहीं आवतो। हाँ इकोना लेक्चर भी आवे छे ने आवती काले इकोनॉमिक्स नो लेक्चर छे आटला वागे सेम जोड़ाई जाजो। हाँ એટલે इकोनॉमिक्स आवशे बराबर ने। तो आगळ जोईए तो जो आपने आप्युं छे 12 धंधाकीय एकमना वेचाण अने नफाना क्रमांकोना तफावतनो वर्गनो सरवाळो એટલે n बराबर 12 सिग्मा d स्क्वेर बराबर 98.5। तो अहींया सूत्र सीधो मूकवानुं r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वेर छेदमां n n स्क्वेर माइनस 1। तो 1 6 × 98.5 छेदमां 12 12 નો વર્ગ माइनस 1। तो 6 × 98.5 करो केटला थशे 591 छेदमां 12 144 माइनस 1। तो 591 12 × 143। तो मेळवीए 12 × 143 बराबर 1716। आर बराबर 1 माइनस 591 भाग्या 1716। तो आर बराबर 1 माइनस 0.34। तो आर बराबर 0.66 केला आवशे 0.66। क्लियर। थैंक यू सो मच। मळीए आवता गुरुवारे नवा लेक्चर नवा चेप्टर साथे। थैंक यू सो मच। ત્યાં સુધી અભ્યાસ કરતા રહો, સારામાં સારું પરિણામ લાવો અને બોર્ડની પરીક્ષામાં ખૂબ જ સારું પરફોર્મ આપો એવી વિદ્યાકુલ અને યુથ તરફથી તમને શુભકામનાઓ। થેન્ક યુ સો મચ।